गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईदगाह। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित मीन्स मन मोह लेना। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक चतुर, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अर्थात अब चिमटे ने सबका मन मोह लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास बचे हैं। उन्होंने तो सब खर्च कर दिया। 9 बज गए थे, धूप भी तेज हो रही थी, वे लोग दूर भी निकल आए थे और उन्हें जल्दी घर भी पहुंचना था। अब पापा से जिद भी करें तो उन्हें चिमटा नहीं मिल सकता। वे सोचते हैं हामिद बड़ा चालाक है, इसीलिए उसने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक ओर मिट्टी है दूसरी ओर लोहा। अगर कोई शेर आ जाए, मियां भिश्ती के छक्के छूट जाए। छक्के छूटना परास्त होना। मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्त में हिंद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान लपक कर शेर के गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। अब बालकों के 2 दल हो गए, एक ओर मिट्टी दूसरी तरफ लोहा। हामिद कहता है अगर कोई शेर आ जाएगा तो मियां भिश्ती बुरी तरह डर जाएंगे, सिपाही साहब बंदूक छोड़कर भाग जाएंगे, वकील साहब डर के मारे जमीन पर लेट जाएंगे। मगर मेरा चिमटा, बहादुर चिमटा शेर की गर्दन पर सवार होकर उसकी आंखें निकाल देगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी मेहनत करना लगा कर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। मोहसिन ने पूरा जोर लगा कर कहा, अच्छा यह पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार पर छिड़कने लगेगा। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, एक बार चिमटा डांटेगा तो भिश्ती साहब दौड़कर पानी लाकर दरवाजे पर छिड़कने लगेंगे। मोहसिन परास्त हो गया, मोहसिन हार गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, महमूद ने थोड़ी राहत पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़े जाएं तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। अर्थात अगर बच्चू पकड़े जाएंगे तो वकील साहब के पैर पर ही गिरेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। हामिद इस अच्छे तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। अर्थात हामिद ने मुंह बनाकर कहा, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े पहलवान को पकड़ेंगे, अभी जरा कुश्ती हो जाए, उनकी सूरत देखकर भाग जाएंगे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज जलेगा। उसने समझा था
कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। उसने समझा था कि हामिद के पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हामिद तुरंत बोला, आग में तो बहादुर ही लोग कूदते हैं। आग में कूदना वह काम है जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहलवान ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। महमूद ने जोर लगाकर कहा, वकील साहब तो कुर्सी मेज पर बैठेंगे, लेकिन तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाना रसोई घर में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। इस बात से सम्मी और नूरे भी को सजीव कर दिया। उन्होंने कहा, कितनी सही बात कही है महमूद ने, चिमटा तो रसोई घर में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली धोखेबाजी शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। हामिद को कोई अच्छा सा जवाब नहीं मिला तो उसने धोखेबाजी करनी शुरू कर दी। उसने कहा, मेरा चिमटा रसोई घर में नहीं रहेगा, वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें ज़मीन पर गिरा देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों शुरमा मुंह ताकते रह गए। शुरमा बहादुर लड़ाका, हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है, अब इसमें महमूद मोहसिन महमूद नूरे सम्मी किसी को भी आपत्ति ऐतराज नहीं हो सकती। औरों ने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया, अपना प्रभाव बना लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, विश्वास टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। कानून को पेट में डालने वाली बात सबको अच्छी लग गई कि तीनों शुरमा मुंह देखते रह गए। हामिद जीत गया, उसका चिमटा सबसे बड़ा पहलवान है, अब इसमें मोहसिन महमूद नूरे सम्मी को भी ऐतराज नहीं था। सभी ने तीन तीन चार पैसे खर्च किए थे लेकिन काम की चीज नहीं ली। हामिद ने तीन पैसे में ही सब पर अपना प्रभाव जमा दिया। खिलौने का क्या भरोसा, कब टूट जाए, चिमटा तो कई साल तक रहेगा। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। अब समझौता होने लगा। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा हमें दो और मेरा भिस्ती लेकर तुम देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। इन शर्तों को मानने में हामिद को कोई आपत्ति नहीं थी।
चिमटा बारी बारी से उसने सबके हाथ में दिया और उनके खिलौने बारी बारी से अपने हाथ में लिए। उसने सोचा, कितने खूबसूरत, कितने सुंदर खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा, मालूम होता है अब बोले तब बोले। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे और कहा, अरे मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, यह चिमटा भला इन खूबसूरत खिलौने की क्या बराबरी करेगा, इन्हें देखकर मालूम होता है जैसे अब बोले तब बोले। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ आशीर्वाद तो न देगा। मोहसिन कहता है, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें आशीर्वाद भी तो नहीं देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। महमूद बोलता है, आशीर्वाद के लिए कहते हो, हमें तो डर है कि उल्टे मार ही ना पड़ जाए, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में तुम्हें केवल यही मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर अब तो चिमटा रुस्तम में हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह, बादशाह मीन्स राजा। हामिद को मानना पड़ा कि खिलौने देखकर किसी की माँ इतनी खुश नहीं होंगी जितनी उसकी दादी चिमटे को देखकर होंगी। फिर तो अब तो चिमटा सभी खिलौनों का राजा है। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए, महमूद ने केवल हामिद को साझी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था, अर्थात रास्ते राह। राह में महमूद को भूख लगी, उसके पापा ने उसे केले खाने के लिए दिए, तो उसने केले केवल हामिद को दिया और किसी दोस्त को नहीं दिया। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई, मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियां भिस्ती नीचे आ रहे और परलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो दो चाटे और लगा। अर्थात 11 बजे पूरे गांव में हलचल मच गई, मेले से लोग आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिस्ती अपने भाई के हाथ से ले लिया और खुशी के मारे उछली तो खिलौना नीचे गिरकर टूट गया। फिर दोनों भाई बहन आपस में झगड़ने लगे, खूब रोए। अम्मी उन दोनों के रोने की आवाज़ सुनकर गुस्सा हुई और दो दो चाटे और लगा दिए। मियां नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गईं, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब का चोला माटी में मिल गया। फिर जो बड़े जोर शोर से मातम दुख हुआ और वकील साहब की अस्थि हड्डी घूरे। जहाँ पर घर का कूड़ा कचरा डाला जाता है पर डाल दी गई। अर्थात नूरे के वकील का अंत और भी ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक कोई वस्तु रखने के लिए दीवार में बना एक स्थान पर बैठ नहीं सकते थे। दीवार में दो खूंटियां गाड़ी गई, लकड़ी का
पटरा रखा गया, पटरे पर कागज बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की तरह सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झेलना शुरू किया। पता नहीं कहाँ से, पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब जमीन पर गिर गए। बड़ा दुख मनाया गया और उनकी हड्डी घूरे पर डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही, उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार पर चक्कर लगाने लगी। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते हैं। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टांग में विकार खराबी आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है कि जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन में जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया ऑपरेशन असफल हुई। तब दूसरी टांग उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अर्थात अब रहा महमूद का सिपाही, उसे गांव पर पहरेदारी करने का चार्ज मिल गया था। जिम्मेदारी, चार्ज मीन्स जिम्मेदारी, जिम्मेदारी दे दी गई थी। पुलिस का सिपाही पालकी पर चलेगा यह तय हुआ। एक टोकरी आई, उसमें लाल रंग के फटे पुराने कपड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब सुलाए गए। नूरे ने टोकरी उठाई और अपने दरवाजे के चारों तरफ घूमने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। अचानक महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ती है और मियां सिपाही अपनी बंदूक लिए हुए जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी एक टांग में खराबी आ जाती है। महमूद को आज पता चला कि वह एक अच्छा डॉक्टर है। उसे मरहम मिल गया, उसे एक ऐसा मरहम मिल गया जो टूटी टांग को तुरंत जोड़ सकता है। टांग जोड़ दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं होता है, तो दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है कि अब कम से कम आराम से बैठ सके। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। अर्थात अब मियां हामिद का हाल सुनिए, उसकी आवाज़ सुनकर उसकी दादी अमीना दौड़कर उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक से उसके हाथ में चिमटा देखकर उन्हें बड़ी हैरानी हुई। यह चिमटा कहाँ था, उन्होंने पूछा। यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है, हामिद ने कहा, मैंने इसे खरीदा है। कितने पैसे में, दादी ने पूछा, कितने पैसे में खरीदे हो, हामिद ने जवाब दिया, 3 पैसे। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या यह चिमटा। अमीना बहुत दुखी हुई, कैसा बिना समझ का लड़का है, न कुछ खाया न कुछ पिया और खरीदा क्या यह चिमटा। उन्होंने कहा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। उन्होंने कहा, सारे मेले में तुझे और कोई दूसरी चीज नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा खरीद लाए। हामिद ने कहा, तू
तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे खरीदा। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, अच्छी भावना और कितना विवेक, अच्छी समझ है। बुढ़िया का गुस्सा तुरंत प्यार में बदल गया। अमीना का गुस्सा तुरंत प्यार में बदल गया। उन्होंने सोचा, बच्चे में कितना त्याग, कितनी अच्छी भावना और कितनी अच्छी समझ है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। यहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। दूसरे बच्चों को खिलौने और मिठाइयाँ लेते देखकर इसे कितना लालच आया होगा। मेले में भी उसे अपनी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन बहुत खुश हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। वह खूब रोने लगी, बाहें फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। थैंक यू।